जो राम भजन लास्ट में सभी खड़े बजाओ, जाना चाहे खड़े बजाओ चाहे वो करके बजाओ, राम भजन में सब कोई याद जाओ कि लास्ट समय राम भजन। नमस्कार एंड जय जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्यारे देवांगन और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर और आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ राजापुर के एक धाम में। उस धाम को दोस्तों शिव आनंद आश्रम के नाम से जाना जाता है और दोस्तों यह धाम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस धाम में एक बाबा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भूत प्रेत काला जादू जैसी मान्यता है, आप मानते हैं इस तरह के भूत प्रेत काला जादू जैसी शक्तियों के बारे में जानते हैं और मानते हैं, अगर आपके मन में भूत प्रेत काला जादू जैसी शक्तियों का भय है तो दोस्तों आप लोग यहाँ आ सकते हैं और दोस्तों यहाँ आकर आप झाड़ फूंक करा के दोस्तों ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ अलग तरीके से झाड़ फूंक किया जाता है और दोस्तों बहुत भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में भूत प्रेत काला जादू जैसी कोई शक्तियाँ हैं, आपको लगता है ऐसे, और अगर भूत प्रेत की वजह से आपके घर में कोई पागल हो गया है तो दोस्तों आप यहाँ लेकर के आ सकते हैं। चलिए मैं वहाँ जाकर के दिखाता हूँ आपको कि वहाँ कितना भीड़ है, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना दूर दूर से लोग आते हैं और दोस्तों बहुत लोगों का ठीक हुआ है बताया जाता है यहाँ। तो चलिए वहाँ लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ का पूरा सीन और कैसे कैसे होता है वहाँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ शिव आनंद आश्रम धाम में और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। इसी के अनुसार दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे दिखाता हूँ पूरा सीन। विश्वास है ना? है। सच में? सच में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस धाम में किस किस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है, भूत प्रेत को भगाया जाता है। आज त्याग दिए हो तुम लोग को काला ड्रेस से चेंज किया गया कि डाला ड्रेस चेंज करो, पहले शैतान को हटाओ, 540 बार रोड बाइट कराओ, शैतान के लिए 36 प्रकार के कोर्स किया जाए और हट जाए। शिव आनंद आश्रम में किसी कमर में शैतान नहीं रहे, माता रानी ही रहे। तो दोस्तों आप लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर किस किस तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है, किस किस तरह का प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप यहाँ सच्चे मन से आते हैं और अपने मन से किसी भी प्रकार का मन्नत मांगते हैं दोस्तों, तो वह पूरा होने का चांसेस रहता है। और दोस्तों कुछ खास प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे आपके फैमिली में कोई पागल हो गया है भूत प्रेत की वजह से, या फिर आपका किसी का बच्चा नहीं हो रहा है आपके फैमिली में, डॉक्टरी इलाज कराते कराते थक गए हैं, इसके बाद दोस्तों किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो उस तरह का भी उसका भी निवारण किया जाता है। और दोस्तों अगर आपके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा शराबी है, शराब को नहीं छोड़ पा रहा है, शराब का लत लग गया है, तो उसका भी सॉल्यूशन किया जाता है, उसको भी सुधारा जाता है। और दोस्तों काला जादू की वजह से अगर आपको लगता है कि काला जादू है, तो काला जादू की वजह से बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रहा है या अनेक प्रकार का दुर्घटना घट रहा है, और दोस्तों काला जादू से संबंधित जैसे कि आपके फैमिली में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम्स रहता है, प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं होता है, परिवार में झगड़ा रहता है या पति पत्नी के बीच में अनसन रहता है, कोई काला जादू कर दिया हो ऐसा आपको लगता है, तो दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार की काला जादुओं का निवारण किया जाता है। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो आ सकते हैं। और दोस्तों इस धाम के मुख्य बाबा जी देख रहे हैं आप बैठे हैं, इनका नाम श्री सोहन राम है, यही विधि विधान से भूत प्रेत को भगाते हैं। ये तो राम भजन लास्ट में सभी खड़े हो जाते हैं, बैठे वाले बैठे ही रहेंगे, इसके बाद बजाए वाला ध्यान दीजिए कि बज जाना चाहिए, खड़े बजाओ चाहे वो करके बजाओ, राम भजन में सब कोई याद जाओ कि लास्ट समय राम भजन की मौका दिया जा रहा है। सब जो खड़े हो जाओ, 5, 1, 2, 3, 4, 5 खड़े हो जाओ, 5-7 के समय हो चुका है, इसे लास्ट आप लोग नहीं तो खड़ा हो जाओ।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने किसी को आपके फैमिली में प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।